भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है तो दूसरी तरफ आज नगरीय जीवन को बदलने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा आज यहां पर अभी कुछ देर पहले लाभार्थी पर योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कानपुर जैसे शहर में कैसे स्मार्ट सिटी ने इस पुराने नगर की तस्वीर को बदलने का काम किया है आज यहां पर उसकी एक झलक भी आपको देखने को मिली होगी। 400 करोड़ रुपए की अधिकतर परियोजनाएं कानपुर सिटी से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन उस कार्य में कोताही बरती गई। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और स्मार्ट सिटी मिशन का परिणाम है कि भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोविड जैसी महामारी के दौरान एक तरफ कोविड प्रबंधन का काम करता था और दूसरी तरफ सिटी के कूड़ा प्रबंधन में भी यहां से मॉनिटरिंग करने का एक केंद्रीय माध्यम ये बना था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आम नागरिक के जीवन को कितना सरल और सरल बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ICCC इसका एक उदाहरण है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इसके साथ जोड़ना और ICCC के साथ ही हमारे शहर सुरक्षित हो इसके लिए सेफ सिटी की योजना किसी के साथ इंटीग्रेट कर देना, यह प्रदेश के अंदर देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 ऐसी सिटी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक व्यक्ति को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अपने चौरे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेल बनाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। एक बेहतरीन प्रयास हो रहा, कोई सोचता था पहले शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से भी गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से 14,000 से कानपुर नगर में मिले हैं और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से भी गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला कोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी कानपुर में गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।